दोस्तों आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने साबूदाने को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से साबूदाना एकदम चिपचिपा हो जाता है। अब इसको 2 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। दो घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारा साबूदाना एकदम खिला खिला तैयार हुआ है। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कढ़ाई ली है। इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखो हमारी मूंगफली कैसे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं जो हाथ से तोड़कर डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इनको हल्का फ्राई कर लेंगे। टमाटर हल्के सॉफ्ट होने के बाद 1 कटोरी उबले हुए आलू डाल देंगे। थोड़ा पकाने के बाद इसमें भीगे हुए साबूदाना डाल देंगे। इनको अच्छे से मिलाकर साबूदाने को पकाने के लिए 2 मिनट ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें फ्राई मूंगफली डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार नमक डालेंगे। मैंने ये सेंधा नमक डाला है उपवास के हिसाब से। इस तरह से बनाने से साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। देखो हमारी साबूदाने की खिचड़ी कैसे खिली खिली बनकर तैयार हुई है। हम इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।